क्या कहेंगे सरदार भाई, आप बहुत बड़ी विरासत आपको मिली है, बहुत बड़ी विरासत मिली है, आप बहुत ही खुशनसीब है। अगर दुनिया पटना में कोई खुशनसीब है कि किसी का बाप चिट्ठी नहीं करता, किसी की माँ चिट्ठी नहीं करती, तो वो उसका बेटा राजनीति में आया है, तो आप सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा है, तस्लीम साहब के आप औलाद है। याद रखिएगा, तस्लीमुद्दीन किसी का मोहताज नहीं, अगर मोहताज था तो सिर्फ अल्लाह का मोहताज था, और सीमांचल ने उसको जो शफकत दी है, मोहब्बत दी है, वो किसी पार्टी का नहीं मोहताज था, अपने दम पर उसने क़यादत की, और पटना को भी झुकाया था और दिल्ली को भी झुकाया था, ये याद रखिएगा, वो तस्लीमुद्दीन साहब। क्योंकि मैं मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन से मेरा रब्ता है, मुझे याद है जब तस्लीम साहब दुनिया से चले गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे कहा था आदिल आज सीमांचल यतीम हो गया, यही वर्ड उन्होंने कहा था ओवैसी साहब ने कि आदिल आज सीमांचल यतीम हो गया, क्योंकि उस आदमी में जो जज्बा था, जो भिड़ने का, जो लड़ने का, हर सिस्टम पे अगर कोई लड़ता था तो दूसरा तस्लीमुद्दीन अभी दिखता नहीं है, दूर दूर तक दिखता है। हाँ, उनके शागिर्दों की फेहरिस्त है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह जिसको बनाए, जो मेहनत करेगा इंशाल्लाह उनका शागिर्द बनेगा, तो तस्लीमुद्दीन साहब वो शख्सियत। जहां तक ये सीमांचल विकास मोर्चा सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है, एक बात सीमांचल के लोगों याद रखिएगा, 72 साल आजादी को हो गए, हर दर की गुलामी आप लोग किए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी किए हैं, जब नेता को पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ कर जिताइएगा तब तस्लीमुद्दीन पैदा होता है। याद रखिएगा, पटना की गुलामी और दिल्ली की गुलामी नहीं होनी चाहिए, आपको अपने इलाके को, अपने लोग को मजबूत करना पड़ेगा। याद रखिएगा, तभी सीमांचल में तस्लीमुद्दीन को असली असरादिया की गत नहीं होगी, तभी तस्लीमुद्दीन को पैदा हो सकता है, तभी उसका कोई जानशीन पैदा हो सकता है। पटना की औकात नहीं है, न दिल्ली की औकात है कि सीमांचल से टकरा जाए। 24 सीट आप रखते हैं, 72 साल हो गया, पटना डिसाइड करता है तो एम्स खुलेगा, दिल्ली डिसाइड करता है तो एमयू सेंटर खुलेगा, दिल्ली सोचता है कि एम्स खुलेगा, अगर ये 24 सीट चाहे तो बतलाएगा कि पटना में क्या खुलेगा। सिर्फ आप मुनसम हो जाइए, आप एक हो जाइए, इंशाल्लाह ताला ये 24 सीट बताएगा कि मंगल को तो पटना में कैबिनेट लगेगा, वो आपकी फेरिस्त लंबी होगी। आप चाहिएगा तो छपरा में कुछ होगा, आप चाहिएगा तो दरभंगा में होगा, आप चाहिएगा तो मोतिहारी में होगा, आप चाहिएगा तो मुंगेर में होगा। 72 साल में उसने सोचा था, अब हम सोचेंगे इंशाल्लाह ताला कि पटना को क्या हम देंगे, छपरा को, नालंदा को क्या देंगे। देखिए, रेल कारखाना खुला तो मड़ौरा में खुला, बेला में खुला, मधेपुरा में खुला, नालंदा में खुला, आपको क्या मिला? थोके थोक वोट दे रहे हैं, थोके थोक वोट दे रहे हैं, क्या मिला? कब तक दरबारी कीजिए, कब तक गुलामी करेंगे, क्यों करेंगे गुलामी? 24 सीट का हम मालिक है, हम अपना नेता, अपना बेटा हम बनाएंगे और उसको हम इंशाल्लाह ताला जीत के भेजेंगे। सीमांचल स्पेशल स्टेटस की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई, नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ ये गोरखालैंड, 5 कदम आ गया दार्जिलिंग को स्पेशल स्टेटस मिला, वहां के लोग टाइट हुए, मुनजम हुए, उसको मिल गया। लोग बोलता है गोरखा है, लोग बोलता है नेपाल का है, उसको मिल सकता है, ये कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज को नहीं मिल सकता है। यहाँ पर भी IITN है, यहाँ पर भी MP का एक आवाज है, यहाँ पर भी MLA है, यहाँ पर भी डॉक्टर है, यहाँ पर भी जर्नलिस्ट है, यहाँ पर भी ताजिर है। इंशाल्लाह ताला से हद कर लीजिए कि हमारा एक ही मकसद होगा, चाहे मुझे मिले या नहीं मिले, आने वाली नस्ल को मिलेगा, हम सीमांचल को खुसूसी दर्जा दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे, तभी कुछ हो सकता है। बुंदेलखंड में देखिए, रोटी घास की रोटी खाता है, UPA सरकार हो, NDA सरकार हो, दोनों ने बुंदेलखंड को स्पेशल स्टेटस दिया, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया, नॉर्थ ईस्ट को दिया, नॉर्थ ईस्ट को जो गंगा यहीं से जाता है, यही कटिहार पूर्णिया से ट्रेन जाती है, यही NH से जाता है, नागपुर की नारंगी हो या नासिक का वो, नासिक का आपका अंगूर या नहीं तो मार्बल राजस्थान से जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ गुलाबी मिलती है, आपको सिर्फ माइग्रेंट लेबर के लिस्ट में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। कब तक हम सहेंगे, कब तक सहेंगे? गुजरात के कच्छ को भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात को सोचते हैं कि बहुत हिंदुस्तान में तरक्की याफ्ता जगह है, गुजरात के कच्छ को, उस इलाके को भी स्पेशल स्टेटस मिला है, तो सीमांचल को भी इंशाल्लाह देना पड़ेगा। आपके पास इतना अच्छा गोल्डन क्वाड्रेंट रोड, आपके पास ये रेलवे ब्रिज है, याद रखिए, जब पटेल आंदोलन कर सकता है,
जब जाट आंदोलन कर सकता है, जब गुजर आंदोलन कर सकता है, जब मराठा आंदोलन कर सकता है, अगर सीमांचल वासी इंशाल्लाह जिस दिन मुनज़्ज़म हो जाए, जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ जाएंगे, सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं। चाहे दिल्ली में कोई सरकार बैठा हो, चाहे पटना में बैठा हो, सीमांचल को उसका हक इंशाल्लाह देना पड़ेगा। बस हमको ऊपर सोचना पड़ेगा, हमको एक सोच बदलनी पड़ेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, सीमांचल की गुलामी करनी पड़ेगी। इस मिट्टी का कर्ज अदा करना पड़ेगा, इस इलाके का कर्ज अदा करना पड़ेगा, और इस बेटे को मजबूत करना पड़ेगा, यहाँ के बेटी को मजबूत करना पड़ेगा, यहाँ के भाई को मजबूत करना पड़ेगा।